दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आजकल घर भी स्मार्ट होने लगे हैं। जब आप घर के अंदर जाते हो तो ऑटोमेटिकली लाइट स्टार्ट हो जाती है, फैन स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऑटोमेशन का जमाना चल रहा है, तो पर्दे भी क्यों ना स्मार्ट हो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मोटराइज कर्टेन्स को, मोटराइज कर्टेन्स किस तरीके से वर्क करते हैं, इसका कॉस्टिंग क्या आता है, पूरा डिटेल देंगे इस वीडियो के अंदर मोटराइज कर्टेन्स के बारे में। तो दोस्तों फोम और फर्निशिंग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मोटराइज कर्टेन्स में देखें तो इस तरीके की मोटर आती है, ये दोया कंपनी की है। बेसिकली तीन जो ब्रांड है वो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है इंडिया के अंदर। जैसे देखें तो ये दोया हो गया, दूसरा है सोम्फी कंपनी आती है, तीसरा है पनारा। ये तीन ब्रांड ज़्यादा ट्रेंडिंग है मार्केट के अंदर। बहुत सारी दूसरी ब्रांड भी इस तरीके के मोटर्स वगैरह बनाती है। तो इस तीन ब्रांड में अगर देखें तो ऑलमोस्ट इसका जो कॉस्टिंग है 10,000 से लेकर 15,000 के अंदर इस तरीके की मोटर्स मार्केट के अंदर अवेलेबल रहती है। इसके अंदर अगर देखें तो 5 साल की पीस टू पीस रिप्लेसमेंट गारंटी मिलती है इसके अंदर। वारंटी वगैरह नहीं होता, रिप्लेसमेंट ही इसके अंदर होता है। तो तीन ब्रांड बेसिकली वर्क करते हैं। अगर आप एक मोटर लगाते हो तो इसका जो वेट कैपेसिटी है, पर्दे का जो वेट है, वो ऑलमोस्ट 50-45 kg तक का पर्दे का वेट ये वन मोटर हैंडल कर लेगी। अगर आपको ज़्यादा मतलब पर्दे लगाने ज़्यादा वेट है, ऑलमोस्ट 16 feet की अगर विंडो है तो एक मोटर इनफ है। अगर 16 feet से ज़्यादा की विंडो है, ज़्यादा लंबी विंडो है, तो उसके अंदर आपको दूसरा मोटर, दो मोटर लगाने पड़ेंगे, एक मोटर पे नहीं चलेगा। तो इस तरीके का मोटर्स आता है, ये इजीली मार्केट के अंदर अवेलेबल रहता है। बेसिकली दोस्तों देखें तो इसके अंदर आप ऑटोमेशन करवा सकते हैं। एलेक्सा के साथ इसको कनेक्ट करके आप वर्ल्ड में कहीं से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो अपने घर के कर्टेन्स को। तो स्मार्ट पूरा सिस्टम अभी मार्केट में अवेलेबल है। जहाँ से आप इस तरीके का मोटर्स वगैरह लेते हो सकता है उसके पास ऑटोमेशन का वो ना हो, तो आपको ऑटोमेशन वाले को मिलना पड़ेगा, वो आपको एलेक्सा के थ्रू इसको कनेक्ट करके देगा ताकि आप कहीं से भी इसको ऑपरेट कर पाए। दोस्तों आप अपने घर के अंदर मोटराइज कर्टेन्स लगाना चाहते हो तो आपको प्री प्लान करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको उस हिसाब से यहाँ पे स्पेस छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे तो हमने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मोटर लगाया हुआ है। अगर आप प्री प्लान करके चलेंगे तो मोटर पीछे चला जाएगा, आगे से किसी को दिखेगा नहीं। तो अगर आप घर के अंदर मोटराइज कर्टेन्स करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से प्री प्लान करके ही इसका पूरा ढांचा है वो बनवाना पड़ेगा। तो प्री प्लान करके चलना है अगर आप मोटराइज कर्टेन्स लगाना चाहते हो तो। अब देखते हैं ये किस तरीके से ऑपरेट होता है। दोस्तों मोटराइज कर्टेन्स को आप तीन तरीके से ऑपरेट कर सकते हो। पहला जो सिस्टम है वो है स्विच के थ्रू, आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो स्विच के थ्रू। दूसरा होगा आप रिमोट के थ्रू, इस तरीके का रिमोट आता है, रिमोट के थ्रू भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। और तीसरा होगा मैन्युअली आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। रिमोट के थ्रू किस तरीके से ऑपरेट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से रिमोट के थ्रू इसको आप क्लोज कर सकते हो, इस तरीके से देखिए क्लोज हो गया। इसको ओपन भी इस तरीके से कर सकते हो आप। दोस्तों अगर आपको इसको मैन्युअली ऑपरेट करना है तो इस तरीके से आप मैन्युअली भी कर सकते हो। इसको थोड़ा इस तरीके से खींचना है, देखिए या मैन्युअली हो गया है, बाय हैंड आप कर सकते हो। इसको क्लोज करना है तो भी आप इसको मैन्युअली इस तरीके से थोड़ा ऐसा करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, देखिए। तो ये मैन्युअल था। तीसरा होगा अगर लाइट वगैरह चली जाती है घर के अंदर तो आप किस तरीके से इसको ऑपरेट करना है। अगर लाइट वगैरह घर के अंदर चली जाती है तो आप इसको इजीली हैंड से भी ओपन या क्लोज कर सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो बेसिकली तीन तरीके से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। दोस्तों जब हम कर्टेन्स को मैन्युअली ऑपरेट करते हैं तो आप अपनी मनचाही जगह पे इसको स्टॉप नहीं कर सकते, मगर थ्रू रिमोट अगर आप इसको ऑपरेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो मैं जहाँ पे चाहता हूँ वहाँ पे इसको स्टॉप भी कर सकता हूँ। एक बटन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे स्टॉप हो गया। वापस अगर करना है तो इस तरीके से क्लोज भी कर सकता हूँ, वापस इसको स्टॉप करना है तो स्टॉप कर सकता हूँ। तो थ्रू रिमोट आप इसको ओपन और क्लोज करने की जगह भी आप डिसाइड कर सकते हो। और ख़ास करके अगर देखें तो रिमोट की वारंटी या गारंटी नहीं आती है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि मोटर के अंदर 5 years की रिप्लेसमेंट गारंटी आती है, मगर रिमोट के अंदर नहीं आती है। तो इसको मतलब थ्रू केयर रखना है। इसका अगर कॉस्टिंग देखें तो ऑलमोस्ट 2,000 rupees के आसपास रिमोट का कॉस्टिंग रहता है, तो इसको संभाल के रखना है। दोस्तों एलेक्सा के थ्रू भी बाय वॉइस कमांड आप इसको ओपन और क्लोज कर सकते हो, मगर उसके लिए आपको इसको ऑटोमाइजेशन करवाना पड़ेगा।
दोस्तों आप देखते हैं मैनुअल जो पर्दे आते हैं, मैनुअल कर्टेन्स, और जो मोटराइज कर्टेन्स है उसके अंदर जो डिफरेंस आता है वो होता है ऊपर की चैनल का एक डिफरेंस आएगा। दोस्तों यहाँ पे हमने दो चैनल रखे हैं, ये वाला जो चैनल है ये है मोटराइज का चैनल है, इस तरीके का आएगा, और ये वाला जो है ये है मैनुअल का। आप देखिए ये दोनों में डिफरेंस है, इसके अंदर जो रनर आते हैं वो भी डिफरेंस आएगा दोनों के अंदर। अगर इसका पर फीट का रेट देखें तो ऑलमोस्ट ये वाला जो मोटराइज का आता है वो ऑलमोस्ट 700 रुपीज़ फीट के आसपास इसका कॉस्टिंग रहता है, और ये अगर देखें मैनुअल का तो ऑलमोस्ट 250 से लेकर 300 रुपया फीट के आसपास इसका कॉस्टिंग रहता है, तो दोनों में रेट का डिफरेंस रहेगा। दोस्तों अगर आपका जो कर्टेन है वो 16 या 20 फीट से अगर लंबा है तो आपको, अगर आप मैनुअल पर्दे लगा रहे हो, मैनुअल कर्टेन्स है, तो आपको इसमें अगर जॉइंट लगाना पड़े तो दूसरा कोई दिक्कत वाला नहीं है, बाजू में, इसके बाजू में ही दूसरा चैनल लग जाएगा। मगर जब आप मोटराइज लगा रहे हो तो अगर 16 से 20 फीट से अगर लंबा है आपका जो कर्टेन है वो, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर जॉइंटर लगाना पड़ेगा, बीच में दोनों के बीच में जॉइंटर लगाना पड़ेगा, और जॉइंटर का जो कॉस्टिंग है ऑलमोस्ट 700 to 800 रुपीज़ के आसपास इसका कॉस्टिंग रहता है। दोस्तों हमने कर्टेन्स के अंदर मोटराइज कर्टेन्स देखे, तो इसके अंदर आप वुडन ब्लाइंड्स वगैरह आते हैं, रोमन्स आते हैं, या रोलर वगैरह आते हैं, वो भी आप ऑटोमेशन करवा सकते हो, सेम तरीका है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, तो सभी ऑटोमेशन हो सकता है। दोस्तों अगर आपको मोटराइज कर्टेन्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई देंगे। हमने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक नंबर भी दे दिया, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं।